इनका बाप का राज है क्या? ये हिंदुस्तान हमारा है, हमारा था और हमारा है और हमेशा हिंदुस्तान में रहेंगे। लाल किला हमने बनाया है, ये ताजमहल हमने बनाया है। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं इस वक्त जामा मस्जिद में मौजूद हूँ। जिस तरीके से यहाँ पर पूरा देश उबल रहा है, लगातार जगह जगह से तस्वीरें आ रही है, अपने हक हुकूक के मांग को लेकर यहाँ पर अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं लोगों से जानने की कोशिश करूँगा, सर आप किस लिए आए हैं, आपका नाम? सर मेरा नाम इस्तखार है और हम अपनी NRC वापसी करवाने आए हैं। हाँ। ये हमारे यहाँ नहीं चलेगा क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे से किसी से कोई गिला नहीं है, लेकिन हम सब आपस में भाई भाई हैं। ठीक है, लेकिन अमित शाह संसद में खड़े होकर कहते हैं कि किसी भी धर्म को डरने की जरूरत नहीं है। अजी इनके लोग कितने वादे हुए, कितने आज तक वादे हुए, आज तक इनका कोई वादा पूरा नहीं हुआ। हम इन लोगों पर यकीन नहीं करते, हम सिर्फ चाहते हैं हमारा काला धन वापसी होना चाहिए और हम जो चाहते हैं हमारा हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के हम रहने वाले हैं और हमेशा हिंदुस्तान में रहेंगे। तो क्या लगता है नहीं जाएंगे। इस देश के लिए कुर्बानियां दी है, ये लाल किला हमने बनाया है, ये ताजमहल हमने बनाया है, ये सारा हमने बनाया है। आज कहते हैं हमें निकाल देंगे इस देश से, इनका बाप का राज है क्या? ये हिंदुस्तान हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा। ये हुकूमत हमने बनाई थी, इस हुकूमत को हम उखाड़ के झाड़ सकते हैं। हमने पड़े पड़े हमने आजादी वाले दिन सरकार ने ये कहा था कि इसके सरकार के अंदर किसी की सुनवाई नहीं चलेगी, किसी का कानून नहीं चलेगा। इस ससुर वालों ने एक ने भी साले ने कुर्बानी नहीं दी, BJP वालों ने कुर्बानी नहीं दी, हिंदुस्तान में मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, सिखों ने सबने मिलकर कुर्बानियां दी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या लगता है आपको BJP सरकार और RSS की मुसलमान के खिलाफ एजेंडा तो है? आप मुझे एक बता दीजिए, दलित और मुसलमान, सिर्फ मुसलमान नहीं, दलित और मुसलमान, मुझे बताइए। एक मिनट में बात रखिए, सब आपको मैं बताता हूं। हम इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? हां जनता से धीमे बोलो, इनकी जब बात का जवाब दो। हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये CCCA भी लेकर आए, ठीक है ना? इसके बाद ये NRC कराएंगे। NRC कराने के बाद जितने भी हिंदू और मुस्लिम NRC से बाहर हो जाएंगे, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, फिर वो CCCA बिल के चक्कर में, CCCA बिल के चक्कर में हिंदू यानी गैर मुस्लिमों को छोड़कर जितने भी है वो इस बिल के अंदर सारे आ जाएंगे। हमारे बाप दादा ने यहाँ पे कुर्बानियां दी है, ये लाल किला हमने बनाया, ताजमहल हमने बनाई, बड़ी बड़ी इमारतें हमने बनाई। आज पूरी दुनिया के अंदर ये जितने भी है बड़े लाउडली कहते हैं सेवन पॉइंट आउट में ताजमहल आता है। ताजमहल किसकी देन है? ये मुसलमानों की देन है। अभी योगी ने कहा कि हम चेंज कर देंगे, नाम चेंज क्यों? लाल किला 15 अगस्त को बड़े प्यार से फखर से झंडा फहराते हैं। वो किसने बुलाया? वो मुसलमानों ने बनाया। मुसलमान ने जो बनाया वो हिंदुस्तान में छोड़ कर गए। ये हिंदुस्तान हमारा है। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ सर। मोदी अमित शाह RSS जितने भी लोग हैं वो पूरी ताकत लगा ले और हम भी अपनी ताकत लगा ले। अगर एक आदमी अपने घर से आकर अकेला निकल गया, अगर एक आदमी एक जवान अगर बाहर निकल गया तो यहाँ पर जामा मस्जिद के लोग जो अपनी बेबाकी से अपने बात को रख रहे थे, साफ तौर पर उनका कहना है कि बायकॉट NRC, बायकॉट CAA। लेकिन जिस तरीके से लोगों में मतलब एक जज्बा देखा जा रहा है, वो साफ तौर पर ये तस्वीरें आज हर चीज बयां कर रही है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।